नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली स्थित एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों को लेकर सवाल उठाने वाले डॉक्टरों को निशाने पर लिया जा रहा है। इस खत में यह भी कहा गया है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई सजाएं वापस ली जानी चाहिए और उनका सम्मान बहाल किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिए सभी सांसदों की सैलरी, भत्ता, पेंशन आदि में एक साल के लिए 30% की कटौती होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इससे संबंधित अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इस बारे में बताया। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और कई राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल ने भी स्वैच्छिक रूप से अपनी सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि इस रकम को भारत सरकार की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 40 साल के कम उम्र के 47% लोग इस वायरस के शिकार हुए हैं, जबकि 34% लोग 40 से 60 साल की उम्र के हैं और 19% लोग 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं। कोरोना के कुल मरीजों में 76% पुरुष हैं, जबकि 24% महिलाएं हैं। भारत में कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 693 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4067 हो गई है। इनमें से 1445 मामले तबलीगी जमात में शामिल हुए या उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के 76% मामले पुरुषों में और 24% मामले महिलाओं में हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4300 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से 63% मौतें 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की हुई है, जबकि 40 से 60 साल की उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 30% है। उन्होंने कहा कि 40 साल से कम उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 7% है। देश भर में जारी लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। 3000 से ज्यादा निर्माण श्रमिकों पर किए गए सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के चलते लगभग 92.5% मजदूर 1 से 3 सप्ताह तक अपना काम खो चुके हैं। इसके अलावा सर्वे से निकले महत्वपूर्ण निष्कर्ष में पता चलता है कि 42% मजदूरों के पास दिन भर के लिए राशन नहीं बचा है। सर्वे में पता चलता है कि अगर लॉकडाउन 21 दिनों से ज्यादा का रहा तो 66% मजदूर 1 सप्ताह से अधिक अपने घरेलू खर्चों का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अनुमान लगाया गया है कि अगले 2 महीने में देश को करीब 2,70,00,000 N95 मास्क, करीब 1.5 करोड़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और 16,00,000 जांच किट की जरूरत होगी। इसके अलावा 50,000 वेंटिलेटरों की भी जरूरत होगी। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 70,530 लोग मर चुके हैं। यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13,055 हो गई है। वहां अब तक इस रोग से 1,35,032 लोग प्रभावित हो चुके हैं। स्पेन में बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।